Hi everyone, welcome to An Academy NEET. Good afternoon. Yes, how is everyone doing? Happy Durga Ashtami to guys. है ना, बहुत सारे बच्चे आज सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, पूड़ी हलवा छोले सब खाकर बैठे, है ना? ओके, यस, नाउ यू ऑल कैन सी मी. गुड, ग्रेट टू सी यू ऑल. ओके, कैसी चल रही है बेटा तैयारी? जो हम कहानी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इट्स अ स्टोरी चैप्टर, है ना? मैं इसको स्टोरी बोलती हूँ एक तरीके से, बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यार हम कैसे आए, लाइफ कैसे आई, कौन किससे बना, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी दी. देखो, हमें जब पता चलेगा कि व्हाट डिफरेंट साइंटिस्ट आर सेइंग, तभी वी कैन से कि अब आगे और क्या हो सकता है. जब हमें यही नहीं पता कि बाकी लोग क्या कह गए, तब तक तुम कुछ नया कैसे बोलोगे, है ना? सो वी नाउ नो दैट हाउ डिफरेंट पीपल थॉट अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड विच वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ लाइफ. लास्ट क्लास में, दैट मीन्स येस्टरडे, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था. दैट वॉज अबाउट, हाँ जी, क्या पढ़ा था हमने? एविडेंसेस, सबूत इकट्ठे किए थे. जज साहब पूछ रहे थे कि आपने बोली कि एवोल्यूशन हुई, ठीक है, इतने साल पहले बना, प्रूफ दो. प्रूफ हमने दिया कि यार तुम देख लो कितनी सारी चीजें हैं, आप फॉसिल्स देख लो, आपको पता चल जाएगा एवोल्यूशन हुई. आप बेटा जाकर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देख लो, ऑर्गन्स देख लो, कहीं सेम ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन है, कभी डिफरेंट फंक्शन है, सेम ओरिजिन है. तो ये सारी चीज़ें, जब हम सारे सबूत लेके गए कि आप ऑर्गन्स देखिए, आप एम्ब्रियो देखिए, आप फॉसिल्स देखिए, तो कहीं ना कहीं हमने प्रूव कर दिया. इनफैक्ट डार्विन की जो थ्योरी है, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पढ़ा, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस पढ़ा, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पढ़ा, उन सबसे कहीं ना कहीं इट इज़ नाउ प्रूवन कि येस गाइज, एवोल्यूशन तो हुई. तो इस एवोल्यूशन में कहीं एक पैटर्न नोट किए गए कि एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न है, एक जगह से चालू हुए देन फैल गए जाकर. तो वो जो एवोल्यूशन के पैटर्न्स हैं, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. वन पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज गोइंग टू बी अडैप्टिव रेडिएशन. इसका दूसरा पैटर्न जो आज हम पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. दैट मींस ये जो एवोल्यूशन है, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इनहेरिट होता है. बायोलॉजी से क्या समझते हो? कि एवोल्यूशन में जीन्स में चेंजेस आए, और वो चेंजेस क्या हो रहे हैं बेटा? इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम आज करने वाले हैं. जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं, बेटा माय नेम इज सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अन अकेडमी नीट. एवरीडे मैम की क्लास होती है 2:30 एंड 6:30, 3.0 जिसमें हम 2022 को पढ़ा रहे हैं. उसकी क्लास कितने बजे होती है? 6:30 बजे शाम को. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट टू करना है. एंड 2021 के लिए बेटा ये सीरीज चलती रहेगी. अभी एवोल्यूशन कर रहे हैं, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आएगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी आएगा, और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, वन शॉट्स, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एवरीथिंग, ठीक है? और ये बेटा हमारी छोटी सी टीम है जो मंथन में आपको गाइड कर रही है, और आपकी जर्नी के लिए, आपको पहुंचाने के लिए, कहां तक पहुंचाना है बेटा? मैं तो 1000 देखती नहीं हूं, मैं तो क्या देखती हूँ, 1 देखती हूँ. इनफैक्ट कल मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, उसके लास्ट मंथन टेस्ट में बायोलॉजी में इट्स फुल एंड फुल 360 में से 360, और फिजिक्स केमिस्ट्री में से बस 5-6 नंबर कटे थे, इससे ज़्यादा नहीं कटे थे. 6 तो कट नहीं सकते, यस 5-6 नंबर ही कटे थे, ठीक है? तो ये एंथुजियाज्म जो बच्चे में आया है मंथन से, वो मैं चाहती हूँ सब में आए. प्लीज़ टेक इट सीरियसली. यहाँ पर हम सीरियस लेक्चर्स लेते हैं, तो कई बार आपको फ्री कंटेंट होता है ना, आप उसकी कदर नहीं करते, तो कदर करना सीखो, क्योंकि यहाँ पर आप जो सीख के जाओगे बेटा, वो आपको इस वक्त, आप सिचुएशन देख रहे हो, इट इज़ वेरी वर्स, आप कहीं बाहर जाकर नहीं सीख पाओगे. तो अपनी कॉपी पेन, एनसीईआरटी, कुछ ना कुछ साथ लेकर बैठा करो, ऐसे खाली हाथ मत आया करो. देखने आए हैं, यहाँ पर मूवी चलेगी, थोड़ा टाइम बाद मूवी बंद हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे, है ना? चलिए आ जाइए, पीडीएफ में भेज दूंगी बच्चा. ओके, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि 2021-2022 की सीरीज सिर्फ इसी चैनल पर आपको साइमल्टेनियसली मिलेगी. और पीडीएफ के लिए यू हैव टू रेफर टू दिस टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और बेटा बात करें हमारे लास्ट लीप बैचेस की, बैचेस विच आर गोइंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म. 2021 के लिए बैचेस चल रहे हैं, 2022 के लिए बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे बैचेस हैं, लेकिन ये बैचेस आप अगर लेना चाहते हो, अगर प्लान करते हो कि यार मुझे डाउट सॉल्विंग भी चाहिए, मुझे अलग से टीचर से बात करनी है, मुझे एक लाइव इंटरैक्टिव सेशन चाहिए जिसमें टीचर मेरे कमेंट को पढ़ पाए, रिप्लाई कर पाए, आपके सारे स्क्रीनशॉट्स के डाउट दे पाए, तो वो पॉसिबल यहाँ नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल आपके प्लस के प्लेटफॉर्म पर ही होगा. तो 2021 वालों के पास अभी भी वक्त है, 1st of August को एग्जाम है, तो यहाँ पर बेटा आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो,
थ्री मंथ्स का, यस, आपको क्या मिलने वाला है, वन मंथ एक्स्ट्रा, यस, कब तक सब्सक्रिप्शन, 31st of July, बहुत सारे प्रैक्टिस कोर्सेज चल रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये वैलिड है बेटा 24th of April तक ही, आज क्या है 20th April, 4 दिन और बचे हैं बेटा, सिर्फ 4 दिन और, ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। अब वन मंथ एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपसे कोड पूछेगा, रेफरल कोड, तो आप डाल देना सीप लाइफ, जिससे आपको एडिशनल वन मंथ का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे हैं हमारे क्लास 12th के, जो यहाँ पर हमें देख रहे हैं, देखो टॉपिक तो क्लास 12th का ही है, 12th वाला बच्चा भी यहाँ पर सीख सकता है, उनके लिए भी बेटा ऑफर इज गोइंग ऑन फॉर वेरी लिमिटेड पीरियड, कि अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ्स का, है ना, तो अप्रैल टू अप्रैल चलना चाहिए था, अप्रैल से लेकर 2022 के अप्रैल तक चलना चाहिए, बट इट कैन गो फॉर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, मई जून जुलाई, देख रहे हो, जुलाई तक चल सकता है, प्लस 3 इज ऑल्सो अवेलेबल। कैसे मिलेगा ये प्लस 3? प्लस 3 मिल सकता है इफ यू विल यूज द कोड सीप लाइफ, यस, अगर आप वहां पर जाके कोड लगाएंगे तो आपका प्लस 3 वाला जो ऑफर है वो अनलॉक हो जाएगा, तो आप ही के बेनिफिट के चल रहे हैं, ठीक है। एंड मैं तो ये समझती हूँ, अगर आप क्लास 12th में है, द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर योर प्रेपरेशन, ठीक है। तो ये सारे आपके पास कोर्सेज हैं, 2021 वालों को लेना चाहिए 3+1, ठीक है, एंड 2022 को लेना चाहिए 12+3 वाला ऑफर, बोथ ऑफ देम कैन बी अवेल्ड बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज सीप लाइफ, ठीक है, राइट बच्चों? हाँ नाजिया परवीन, बिल्कुल कराएंगे, मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस आज अपने संजीवनी बैच में ख़त्म कर दिया है, एंड स्टूडेंट्स आर लाइक कि मैं रोज़ उनको 5 questions भी देती हूँ एवरी डे, एंड वो क्वेश्चन जब वो सॉल्व करते हैं ना, दे आर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, जो नॉर्मल बंदे से सॉल्व नहीं होंगे, जिसने पढ़ा नहीं है, जो स्ट्रेट NCERT पढ़ के आया उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। समझाने का एक तरीका होता है, टाइम दिया जाता है एक टॉपिक को, जो आपको मिलता है आपके प्लस बैचेस में, तो अब डिसीजन आपका है बेटा, हम तो आपको गाइड करते हैं। ओके, शुड वी स्टार्ट, वापस आ जाए एवोल्यूशन पे, यस, हाँ जी बेटा, सुनील मिल जाएगी PDF, तुम थोड़ा सा बेटा वो रखो, शांति स्वरूप रखो, मैं भूल गई थी कल देने, बट आज मैं इसी क्लास के बाद इसके साथ साथ कल की भी दे दूंगी, है ना, मैम लोग भी बोलती हैं भाई हम लोग भी ह्यूमन है ना, अकेले बच्चे थोड़ा आके बोलेगा, बच्चे क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैम भूल गए, तो तुम लोग इतनी शान से बोलते हो तो यार हम नहीं बोल सकते, है ना, चलो आ जाओ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अडैप्टिव रेडिएशन, कल बेटा हमने बात की थी फॉसिल्स की, वी टॉक्ड अबाउट होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, देन हमने साथ ही में बात की अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ अदर एविडेंसेज लाइक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, नेचुरल सिलेक्शन को एज ए एविडेंस लिया था, जिसमें हमने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस पढ़ा था। आज बात करेंगे हम इंटायरली नए टॉपिक के बारे में, यस, किसके बारे में बात करने वाले, बहुत ही नया टॉपिक है, दैट इज अबाउट अडैप्टिव रेडिएशंस। हाँ जी, सबसे पहले मुझे बता दो ये रेडिएशन का क्या मतलब होता है, सब बच्चे मुझे बताएंगे, यस, हाँ जी, वेस्टिजियल ऑर्गन भी कर लिया था, ओके, डॉक्टर हंसिका का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, नीट 1 अगस्त के बाद कुछ चेंज हो सकता है, बस ये पिछले साल वाली कहानी मत दोहराओ बेटा, ठीक है, यस, हाँ जी बताइए। सो रेडिएशन का क्या मतलब होता है, रेडिएशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, शायद केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिएशन, कम ऑन गाइस, आई वांट योर इंटरैक्शन इन द चैट सेक्शन, यहां पर सिर्फ आप आपस में बातें नहीं करेंगे, चैट इज नॉट फॉर इन बिटवीन यू गाइस, चैट इज बिटवीन यू एंड मी, ठीक है, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, कुछ तो सोचो, रेडिएशन, रेज निकलेंगी, है ना, ओके, ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग वेव्स, है ना, नाम आ रहे हैं अब आपके, राइट, एक्सप्लोरेशन, ऑटोमेटिक काइंड ऑफ म्यूटेशन लगा दिया, एनर्जी, तो बेटा दोनों वर्ड्स का मतलब समझो, अडैप्टिव मतलब नए एनवायरनमेंट में जाकर खुद को ढाल लेना, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टेशन। मान लो बेटा आप इंडिया में रहते हो, आपने अप्लाई किया कनाडा की PR, है ना, बड़े सारे लोग जाते हैं कनाडा की PR, देन बेटा आपको मिल गई, लकीली आप चले गए वहां पर, अब वहां पे तो बेटा आपको रोटी नहीं मिलेगी, देर आर वेरी फ्यू इंडियन रेस्टोरेंट्स कि वहां पर आप ढूंढो पराठे खाने हैं, रोटी खानी है, ये सब खाना है, वहां पर यू हैव टू सर्वाइव ऑन बर्गर, पिज्जाज एंड अदर रोल्स एंड ऑल,
वहां पर आपने क्या कर लिया, यहाँ पर अगर आप हफ्ते में 6 दिन रोटी 1 दिन पिज्जा खाते थे, वहां पर बेटा आप हफ्ते में 6 दिन पिज्जा 1 दिन रोटी खाओगे। दैट मीन्स वहां के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ढल गए। खुद को ढालने को बोलते हैं हम अडैप्टेशन। तो यहां पर this is a kind of evolution, this is a process of evolution in which a species which is present in a given geographical area, ek jagah pe prastut tha, and from this point it radiated into different geographical areas. Yes, ek jagah pe wo species present tha, lekin from this point there came a phenomena that is evolution. ऐसी एवोल्यूशन हुई कि इस एक स्पीशी से अलग अलग मेंबर्स बन गए, और हुआ कहाँ, एक ज्योग्राफिकल एरिया में, लेकिन बेटा जब ये स्प्रेड करे तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में चले गए। दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। रेडिएटेड समझ रहे हो, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, दैट इज रेडिएशन, है ना। तो यहाँ पर भी एक तरीके से किरणें निकल रही हैं। क्यों वहां जाकर वो थोड़े अलग हो गए, क्यों उनमें चेंजेस आए, क्योंकि बेटा वहां एनवायरमेंट अलग था। तुम कनाडा में जाओगे, वहां पर तुम पिज्जा पे सरवाइव करोगे। यही तुम अगर इंडिया से किसी आइलैंड पर शिफ्ट हो जाते हो, है ना, परमानेंटली आइलैंड पे शिफ्ट हो जाते हो, तो तुम्हारे में कैसे चेंजेस आएंगे, यू विल स्टार्ट लाइकिंग सी फूड जो तुमने यहाँ नॉर्थ में कभी नहीं खाया था, बट वहां पर अब एनवायरमेंट ही ऐसा है, वही खाना मिल रहा है, अब कहाँ से लेके आए टिंडे तोरी घिया ये सब नहीं मिल रहा है, वहां पर द पीपल आर सर्वाइविंग ऑन सी फूड। सो दिस इज काइंड ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। समझ आई ये बात, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इन विच अ गिवन स्पीशीज इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, याद रखना है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में से starting from a point radiating to different other areas of geography, right? Likh do, it is a process of evolution in which a given species, ek ek line samajhna, ek ek word, in which a given species in a geographical area, ek geographical area mein radiated to other areas. Actual में मतलब it's literally radiation, एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह गया तो यार हिसाब ही अलग था, environment अलग है, temperature अलग है, खाना पीना अलग है, तो भाई उसमें भी क्या आ गए, उसी type के changes आ गए। अगर मान लो change ना आते, तुम Canada जाके बोलो कि यार मैं तो pizza burger खाऊंगा ही नहीं, क्या होगा, ultimately क्या होगा बेटा, भूखे मर जाओगे, है ना, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन। यस गाइज, ये बात समझ आई। क्या नाम है बच्चे का, अनिर्बन। क्लास अपनी होती है 11 बजे, सुबह 11 बजे मेरी प्लस क्लास होती है संजीवनी बैच में। फर्स्ट चैप्टर इज डन, दैट इज बायोटेक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग जिस भी एरिया में रहते हैं इंडिया में, चलो अभी तो मैं वर्ल्ड की बात कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इन महाराष्ट्र एंड यू गाइज आर प्योर, इमेजिन कर लो यार, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला चैप्टर है, यू गाइज आर मराठीज, है ना, यू स्पीक मराठी, यू कैन राइट इन मराठी, यू कैन अंडरस्टैंड मराठी, एवरीथिंग। बट आपका कॉलेज आपको कहाँ मिल गया, दिल्ली में मिल गया, है ना, आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या था, आपका मराठी था। एक बच्चे को कॉलेज मिला एम्स दिल्ली में, एक बच्चे को कॉलेज मिला केरला में, एक बच्चे को कॉलेज मिल गया कोलकाता में, एक बच्चे को कॉलेज मिल गया आपके गुजरात में। ठीक है, कहाँ से चालू हुए थे, हम चालू हुए थे महाराष्ट्र से, सारे बच्चे मराठी स्पीकिंग है याद रखो, लेकिन एक बच्चे को कॉलेज मिला दिल्ली में, ठीक है, एक बच्चे को कॉलेज मिला अहमदाबाद में, ठीक है, एक बच्चे को कॉलेज मिला कोलकाता में, और अगले बच्चे को कॉलेज मिला केरला में। ठीक है, तो बेटा जब आप ओरिजिनली आप कैसे बच्चे हैं, ओरिजिनली बेटा यू ऑल आर मराठी स्पीकिंग, ठीक है, यू ऑल आर मराठी स्पीकिंग, ठीक है, लेकिन अगर आप गए दिल्ली में तो आप पंजाबी बोलना भी सीख लोगे, है ना, चेंजेस आए आप में, क्योंकि आपको अडैप्ट करना था, यहाँ पर सब बच्चे पंजाबी बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे। यहाँ से जो बच्चा गया कोलकाता में द प्राइमरी लैंग्वेज इज बंगाली, वहां पर उसने थोड़े थोड़े बंगाली के स्लैंग सीख लिए, सर्वाइव करना है ना, नहीं तो आप उस जगह पे कैसे सर्वाइव करोगे। एक बच्चा गया केरला में, उसने वहां मलयालम बोलनी सीख ली, एक बच्चा आया अहमदाबाद में, उसने वहां पर गुजराती बोलनी सीख ली। सो फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक,
जो कि एक जगह पर था, ये एंसेस्ट्रल स्टॉक है. फ्रॉम दिस पॉइंट देयर इज लिटरल रेडिएशन मूविंग टू डिफरेंट एरियाज, हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ अडैप्टेशन इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंट. दिस इज कॉल्ड एज अडैप्टिव रेडिएशन. ये बात समझे के नहीं समझे बता दो मैम को. कम ऑन गाइस टेल मी, ये बात समझ आई कि नहीं आई कि अडैप्टिव रेडिएशन होता कहाँ है, होता क्या है, राइट? हाँ जी चलिए. सो द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द अडैप्टिव रेडिएशन किसने बताया था भाई? हमें मैक्सिमम कौन बताता है? हमें बताते हैं हमारे डियर मोस्ट साइंटिस्ट, दैट इज चार्ल्स डार्विन. डार्विन गए बेटा एक्सप्लोर करने, उनकी थोड़ी नेचर थी घूमने फिरने की. वो गए कहाँ पर गए? साउथ अमेरिका के ना वेस्ट साइड पे देयर इज अ प्लेस, देयर इज एन आइलैंड विच इज कॉल्ड एज गैलापागोस आइलैंड. कहाँ पर गए? गैलापागोस आइलैंड पर गए. साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है ये आइलैंड. वहां पर यार उन्होंने देखा कि बड़ी अलग अलग टाइप की बर्ड्स हैं. उन बर्ड्स को, ब्लैक कलर की बर्ड्स थी, यू कैन सी ऑल दीज आर ब्लैक कलर्ड स्मॉल स्मॉल बर्ड्स. एंड द नेम केम सिंस डार्विन ने इनको ऑब्जर्व किया था, तो उनका लेटर ऑन नाम क्या बन गया? दे आर नाउ कॉल्ड एज डार्विन फिंचेस. ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? डार्विनियन फिंचेस. ठीक है, तो यहां पर डार्विन ने ऑब्जर्व किया दैट ओरिजिनली द पॉपुलेशन वॉज सीड ईटिंग. ओरिजिनल पॉपुलेशन बेटा कैसी थी आपकी? सीड ईटिंग पॉपुलेशन थी. बट जब बेटा वो गए डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, उसी आइलैंड में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में गए, सम बिकेम इंसेक्टिवोरस, है ना, कुछ ने इंसेक्ट खाने शुरू कर दिए, कुछ बच्चे बन गए वुडपेकर फिंच, कुछ ने क्या खाना शुरू कर दिया कैक्टस, कुछ ने बेटा शार्प बीक ग्राउंड फिंच, कुछ इन हर्बीवोर हो गए, कुछ बेटा इंसेक्टिवोर हो गए वहां पर जाके, कुछ कैक्टस ईटिंग हो गए, कुछ फ्रूट ईटिंग हो गए. तो इस हिसाब से आप स्टार्ट कहां से हुए थे? यस गाइस, फ्रॉम वेयर डिड यू स्टार्ट? आप स्टार्ट हुए थे सीड ईटिंग पॉपुलेशन से. सब बच्चे ध्यान दें, डार्विन की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी कौन सी थी? सीड ईटिंग थी. फ्रॉम सीड ईटिंग ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन कौन सी पॉपुलेशन बन गई? अलग अलग हैबिटेट. जहां पर फ्रूट है उनकी बीक में चेंजेस आएगा एंड दे विल बिकम फ्रूट ईटिंग फिंच. क्या बन जाएंगी? वो फ्रूट ईटिंग बन जाएंगी. देन बेटा कुछ फिंच गई थी जहां पर सिर्फ इंसेक्ट्स थे, तो उनकी बीक में ऐसे चेंजेस आए कि वो इंसेक्ट ईटिंग बन गई, दैट इज इंसेक्टिवोरस. ठीक है, देन कुछ सीड ईटिंग फिंचेस गई थी एक ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ फ्रूट्स थे. भाई सर्वाइव तो करना है ना, अपने सर्वाइवल के लिए कोई कुछ भी करेगा, है ना, तो वो क्या बन गई आपकी? फ्रूट. अच्छा फ्रूट ईटिंग हो गया, वो क्या बन गई बेटा आपकी? कुछ जगह पर सिर्फ कैक्टस थे, वो क्या बन गई आपकी? कैक्टस ईटिंग फिंच. तो अडैप्टिव रेडिएशन में यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होते हो, एक ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन बेटा डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाती है अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज में, एंड देन बेटे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट इट प्रोड्यूसेस चेंजेस इन इट्स एंड अपने हैबिट को क्या कर लेती है? वो चेंज कर लेती है. जैसे आपका जो एग्जाम्पल लिया था, वट वॉज द ओरिजिनल पॉपुलेशन, एंसेस्ट्रल स्टॉक क्या था? सब बच्चे बताएंगे यहां पर, वट वॉज द एंसेस्ट्रल स्टॉक? हाँ जी बताइए. यस पल्लवी, क्या था बेटा एंसेस्ट्रल स्टॉक? बताइए बताइए बताइए. गैलापागोस आइलैंड का तो एंसेस्ट्रल स्टॉक था सीड ईटिंग पॉपुलेशन. सीड ईटिंग पॉपुलेशन ओरिजिनल पॉपुलेशन थी गैलापागोस में, देन बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी बन गया, उनकी बीक में चेंजेस आए, फ्रूट ईटिंग बन गया. हाँ जी बताओ. हाँ नहीं पता वाले वही हैं जिन्होंने शुरू से क्लास नहीं लगाई, बस आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, मूवी चल रही है ना. यस, ओरिजिनल पॉपुलेशन यहां पर कौन सी थी? मराठी स्पीकिंग पीपल. देन दीज मराठी स्पीकिंग व्हेन दे मूव टू डिफरेंट लोकेशन दे हैव टू अडैप्ट, चेंजेस लाने पड़े. यहां उन्होंने थोड़ी पंजाबी सीखी, यहां उन्होंने थोड़ी बंगाली सीखी, यहां गुजराती और यहां पे थोड़ी सी मलयालम सीखी. सो दिस इज बेसिकली द अडैप्टिव रेडिएशन. पहली एग्जाम्पल क्लियर अडैप्टिव रेडिएशन की, दैट इज अबाउट डार्विनियन फिंचेस. ओरिजिनल पॉपुलेशन, बस क्वेश्चन जरूर आएगा कि बेटा ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन सी थी. ऑप्शंस में आएगा सीड ईटिंग, फ्रूट ईटिंग, कैक्टस ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ओरिजिनल पॉपुलेशन वॉज सीड ईटिंग पॉपुलेशन. ठीक है, कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है? गैलापागोस आइलैंड की. गैलापागोस आइलैंड कहाँ स्थित है? साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में स्थित,
कोस्ट में स्थित है, ठीक है, दिस इज अडैप्टिव रेडिएशन. लेकिन एक एग्जांपल से कैसे मान जाएंगे, और प्रूव करो. सो एक सबूत से तो बेटर जज साहब भी नहीं मानते हैं, यहां पर तो हम इतने बड़े एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. देयर इज वन मोर सबूत ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन. अगला सबूत आपका कौन सा आ रहा है? अगला सबूत आ रहा है बेटा, चलिए अब चलते हैं इंडिया से हम सीधा नीचे, उस जगह पे चलेंगे जो पूरे पूरे वर्ल्ड से कटा हुआ है. भाई को कोई दुख दर्द नहीं है, है ना, थोड़ा सेपरेटेड है, बीच में देयर इज नो लैंड रूट, हमें समुंदर क्रॉस करके जाना ही पड़ेगा वहां पर. दैट इज ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. कहां पर चल रहे हैं आप? द जियोग्राफिकल एरिया हेयर इज ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट. अमेरिका से चले, कहां उतरे? ऑस्ट्रेलिया में. ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में हमने क्या देखा? ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में देखा दैट फ्रॉम द ओरिजिनल मार्सुपियल्स, यस, फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ मार्सुपियल. मार्सुपियल समझते हो ना, दीज आर मैमल्स जिनको हम पाउच मैमल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल इज योर कैंगरू, ठीक है. यहां पर ओरिजिनल पॉपुलेशन कौन सी थी? मार्सुपियल. एरिया कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया. उसी एरिया में बेटा यहां पर हुई एवोल्यूशन. अलग अलग टाइप के आपको वेराइटीज मिल गई. एक आपको मिला तस्मानियन वुल्फ, ये याद रखना है. यस यस गाइस, एनसीईआरटी ने बनाया है टेबल, तो याद रखेंगे. क्या क्या मिला? तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कैंगरू, वूमबैट, बंदीकूत, कोयला, है ना, एंड मार्सुपियल मोल एंड शुगर ग्लाइडर्स. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक. ये हमारा एंसेस्ट्रल स्टॉक है. इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया लिटरली रेडिएटेड टू अदर एरियाज एंड हैड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. उस टाइप के उनमें चेंजेस आए. तो ये भी किसके एग्जाम्पल है? अडैप्टिव रेडिएशन की. यस बेटा, समझ आया? ये भी किसके एग्जाम्पल है? अडैप्टिव रेडिएशन. यार अगर ये मार्सुपियल्स वालों में अडैप्टिव रेडिएशन हो रही है तो प्लेसेंटल मैमल्स भी पीछे क्यों हटे? उनमें भी, ध्यान से सुनो, द अडैप्टिव रेडिएशन विच टुक प्लेस इन मार्सुपियल्स, सिमिलर काइंड ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन वॉज हैपनिंग इन, यस, सिमिलर टाइप ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन वॉज हैपनिंग इन प्लेसेंटल मैमल्स. समझ रहे हो? जैसी अडैप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल की हो रही थी, बिल्कुल उससे मिलती जुलती अडैप्टिव रेडिएशन हुई प्लेसेंटल मैमल्स के साथ भी. जैसे जब ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में जहां बने मार्सुपियल मोल, प्लेसेंटल मैमल में भी बन गया ऑलमोस्ट सिमिलर मोल. जब बेटा यहां पर मिला नंबैट, दैट इज एंट ईटर, यहां मैमल्स में भी आपको मिल जाएगा एंट ईटर जिनके पास प्लेसेंटा होता है. यहां बना मार्सुपियल माउस, तो भाई यहां पर भी तो चूहा है, माउस, है ना. यहां पर बना स्पॉटेड कसकस विच इज अ क्लाइंबर, तो यार यहां पर भी क्लाइंबर बन गए, लेमूर, हम पीछे थोड़ा है. यहां पर बना उड़ने वाला फ्लाइंग फैलेंजर, यहां पर बन गई फ्लाइंग स्क्विरल. देन बेटा यहां पर बनी टाइगर कैट, यहां पर बनी ऑसिलॉट, तस्मानियन वुल्फ एंड प्लेसेंटल वाला वुल्फ. सो व्हेन सिमिलर टाइप, ध्यान देखना, व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ अडैप्टिव रेडिएशंस, सिमिलर टाइप ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन अकरिंग इन डिफरेंट हैबिटेट, देख रहे हो अलग अलग जगह हो रही है ना. प्लेसेंटल मैमल की अडैप्टिव रेडिएशन अलग जगह हो रही है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल की अडैप्टिव रेडिएशन अलग जगह हो रही है, ठीक है. अकरिंग इन डिफरेंट हैबिटेट प्रोड्यूस्ड सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट्स, प्रोड्यूस्ड सिमिलर रिजल्ट्स, इसको क्या बोलोगे? यस, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज, जब अलग अलग अडैप्टिव रेडिएशन से ऑलमोस्ट सेम टाइप के रिजल्ट आए, दिस इज कॉल्ड एज बेटा कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कॉन्वर्ज का क्या मतलब होती है? रेज कब कन्वर्ज करती हैं? जब अलग अलग पॉइंट से चलेंगे एंड दे ऑल मीट एट सेम पॉइंट, इसी को बोलते हैं कॉन्वर्जेंट, है ना. कॉन्वर्जेंट मतलब अलग अलग जगह से चालू होना, एक जगह पे जाकर मिल जाना. यहाँ पर क्या है? अलग अलग जगह की अडैप्टिव रेडिएशन सिमिलर रिजल्ट बना लिया है. इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी सेम है, मतलब बाहर से भी सेम दिखते हैं. साथ ही में बेटा
साथ ही में इनका जो हैबिट है वो भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्ड इन पास्ट अबाउट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. जब दो अलग तरीके की अडेप्टिव रेडिएशन से सेम रिजल्ट आ जाए तुम उसको क्या बोलोगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. बात बच्चे आपके इस छोटे से दिमाग के अंदर गई कि नहीं गई, या फिर अभी दिमाग में पूड़ी छोले ही चल रहे हैं और हलवा, है ना, जो हम अभी ब्रेकफास्ट में भी खाया हमने और हम उसको लंच में भी अभी साथ साथ शायद कंज्यूम कर रहे होंगे. हाँ, यस, हाँ, आई बात समझ में? तो सेशन को कर दो लाइक, है ना, साथ में बेटा प्रेस द बेल आइकन और बेटा सेशन को लाइक, और यहाँ पे मुझे चैट सेक्शन में बता दो. हाँ जी, एक ही बात है अश्विनी ठाकुर, कोई बात नहीं, बॉब कैट इज ऑल्सो राइट, एक ही बात है. हाँ जी, पूरी तरह से चला गया आपके इस छोटे से दिमाग में, बहुत बढ़िया. सो विद दिस वी आर डन विद अडैप्टिव रेडिएशन. अडैप्टिव रेडिएशन में तीन पॉइंट याद रखेंगे. एक बेटा, अडैप्टिव रेडिएशन चालू होती है एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्टॉक से इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया. देन बेटा वहां से लिटरली रेडिएशन स्टार्ट हुई डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में और उनमें चेंजेस आए अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. क्लासिक एग्जाम्पल, गैलापागोस आइलैंड की डार्विनियन फिंचेस, देन बेटा ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, एंड देन वी हैव प्लेसेंटल मैमल्स. जब मार्सुपियल और मैमल की अडैप्टिव रेडिएशन देखी तो हमने बोला ये तो चीटिंग कर रहे हैं आपस में. क्या चल रही है इनकी? चीटिंग चल रही है. इसने मॉल बनाया, इसने भी बना लिया, इधर एंटीटर बना, इधर भी बन गया, इधर ग्लाइडर बना, इधर भी बन गया. तो यार ये जो चीटिंग करी है ना इन्होंने अपनी अडैप्टिव रेडिएशन में, इसको आप क्या बोलते हो? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, राइट. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. आफ्टर अडैप्टिव रेडिएशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. यही था ना हमारा सेकेंड टॉपिक. सेकेंड टॉपिक क्या है बेटा? दैट इज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. यस, लेट अस स्टार्ट. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का क्या मतलब होता है? बायो मीन्स समथिंग विच इज लिविंग, जो जिंदा है. एवोल्यूशन मतलब कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है. सो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हम पढ़ने वाले हैं ऐसा कोई जीन्स में चेंज आया जो इनहेरिट हो गया. यस, कि आपके जीन्स में कोई ना कोई म्यूटेशन आई जो कि अगली जनरेशन में पास हो रही है. दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, ठीक है. सो इट इज डिफाइंड एज एनी काइंड ऑफ जेनेटिक चेंज विच इज बेटा इनहेरिटेड. अब बड़े सारे साइंटिस्ट आए बताने के लिए कि ये चेंज कैसे आया होगा. यस, कि ये जेनेटिक चेंज जिसको हम बोल रहे हैं, जिसको हम म्यूटेशन भी बोलते हैं, ये चेंज, ये वेरिएशन कैसे आई, एक्सप्लेन करो. अलग अलग साइंटिस्ट आए. सबसे पहले आए हमारे लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी. देन बिटाए हमारे डार्विन ने अपनी थ्योरी दी. फिर अंत में आए हमारे ह्यूगो डी व्रीज, ठीक है. चलिए स्टार्ट करें कि कैसे आया ये जेनेटिक चेंज इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन डिपिक्टेड बाय वेरियस साइंटिस्ट, राइट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म. सबसे पहला साइंटिस्ट दैट इज लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. अब ये नाम आपने पहली बार ही नहीं सुना, आपने ये 6th-7th स्टैंडर्ड में भी सुना हुआ है और 10th क्लास में भी एवोल्यूशन किया था उसमें भी सुना हुआ है, ठीक है. लेमार्क आए, बोला कि यार तुम्हारे जीन्स में चेंज पता कैसे आया होगा? तुम पैदा हुए, अपने जिंदा थे, काम कर रहे थे, एनवायरनमेंट में अचानक से कोई चेंज आया, एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से तुम में भी चेंज आया, तुम्हारे डीएनए में म्यूटेशन हो गए, बैठे बैठे म्यूटेशन हो गए. और बेटा ये जो तुमने अपनी लाइफ में बर्थ के बाद म्यूटेशन लिया ना डीएनए में, ये तुम्हारी अगली जनरेशन में भी चली गई. दिस इज बेटा कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. दिस इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? आया वो कब आया? तुम्हारे बर्थ के बाद आया. तुम्हें वो चीज अपने पेरेंट्स से नहीं मिली, एनवायरमेंट चेंज हुआ, तुम्हारे जीन्स चेंज हुए, और जो तुम्हारे जीन्स में चेंज आया वो नेक्स्ट जनरेशन में चला गया. यस,
दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हो थ्योरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. यहां पे मैं क्या लिख रही हूं इसको, इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब कि जो कैरेक्टर आपने अक्वायर किया वो अगली जनरेशन में चला गया, है ना. एग्जाम्पल भी दी लेमार्क ने. लेमार्क ने किसकी एग्जाम्पल दी, कहाँ गई, हाँ जी, लेमार्क ने किसके बारे में बात की, लेमार्क ने बात की अबाउट जिराफ. किसको देख रहे हो यहाँ पर, जिराफ को देख रहे हो, लंबी गर्दन वाले, है ना. तो पहले कहते थे कि यार जिराफ ना पहले ऐसा दिखता था, पहले देखो हर्बीवोर है, किस पे सर्वाइव करता था, छोटे छोटे ट्रीज पे सर्वाइव करता था, छोटे छोटे श्रब्स पे सर्वाइव करता था, धीरे धीरे ट्रीज हो गए बेटा बड़े. इस जिराफ ने कहा यार अब भी तो गड़बड़ हो गई है, अब मैं खाना कैसे खाऊं, इतना लंबा पौधा है, ऊपर पत्तियां लगी हुई है, मुझे इसको खाना है. तो जिराफ ने क्या किया, अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया. क्या करना शुरू किया, जिराफ स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हिज नेक. ठीक है, स्ट्रेच करना शुरू किया. ठीक है, स्ट्रेच करके लिख दे. यस, जिराफ स्टार्टेड स्ट्रेचिंग हिज नेक. और ये नेक स्ट्रेच करते करते उसकी गर्दन कितनी हो गई, इतनी लंबी हो गई, जिससे वो इस लंबे पेड़ की पत्तियों को खा सकता था. और ये कैरेक्टर उसने कहां से लिया, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, बर्थ के बाद उसने एक्वायर किया. अब ये वाला जिराफ जब आगे रिप्रोड्यूस करेगा तो दिस कैरेक्टर वुड बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो यहां पर बात हो गई आपकी पहली थ्योरी की, विच इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. लेमार्क के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर बर्थ के बाद आता है उसके अकॉर्डिंग ये जो गर्दन बड़ी हुई ये बर्थ के बाद हुई, तो अक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ, वो इनहेरिट हो जाता है, ये लेमार्क ने बोला. लेकिन बेटा इसको कंप्लीटली रॉन्ग बता दिया एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था ऑगस्ट वीएसमैन. यस बेटा, ये कौन है, मिस्टर लुटेरा, मिस्टर कबीर, सारी मूवीज यही आ गई है क्या, लुटेरा जी भी आ गए हैं, कबीर जी भी आ गए हैं, अब एक दो और गब्बर भी ले आओ और रजनीकांत भी ले आओ, सारी मूवीज के कैरेक्टर ले आओ ना, यहाँ पे तो हम बॉलीवुड क्लास लगा रहे हैं. यस, दिस इज बॉलीवुड क्लास, है ना. हाँ, ओके लवेश, ठीक है, हाँ जी, आज हो जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज कल कर लेंगे मंथन के टेस्ट का डिस्कशन, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, ओके, इधर आ जाओ वापस. तो मैं क्या कह रही थी आपको कि यार जो जिराफ है, लेमार्क ने बोला कि उसकी जिंदगी में पेड़ बड़े हो गए, उसने अपनी गर्दन स्ट्रेच की, गर्दन स्ट्रेच की तो भाई की गर्दन लंबी भी हो गई, और ये कैरेक्टर उसने आगे पास कर दिया. लेकिन ये थ्योरी मना कर दी, प्रॉपरली डिस्कार्डेड बाय अनदर साइंटिस्ट हु इज ऑगस्ट वीएसमैन. दैट इज ए वीएसमैन ने इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्डेड लेमार्क थ्योरी ऑफ थ्योरी इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर. लेमार्क्स थ्योरी, लेमार्क ने बोला था कि जो कैरेक्टर बर्थ के बाद आता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो अगली जनरेशन में जाना चाहिए. ऑगस्ट वीएसमैन कहते हैं कि यार मैं प्रूफ करके दिखाता हूं, चलो तुम बोल रहे हो देख लेते हैं. ऑगस्ट वीएसमैन ने क्या किया, माउस लिया, ठीक है, माइस लिया, माइस की क्या कट कर दी बेटा, टेल, ही कट द टेल ऑफ द माइस. ये क्या हुआ, एक इनहेरिटेड कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर हुआ, दिस इज अ काइंड ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, बर्थ के बाद उसकी टेल काटी. अब अकॉर्डिंग टू लेमार्क ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाना चाहिए था, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन के माइस होने चाहिए थे वो टेल लेस होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू लेमार्क. लेकिन बेटा टेल कट करने के बाद जब हमने ऑफ स्प्रिंग देखे तो इनकी क्या आ गई, टेल आ गई. चलो वीएसमैन ने सोचा एक जनरेशन में हो गया होगा, आगे चलते हैं एक बारी और करके देख लेते हैं. उसने फिर से माइस की क्या कट करी, टेल कट कर दी. अगली जनरेशन में देखा, अगली जनरेशन में देखा, फिर से बेटा ऑफ स्प्रिंग के क्या आ गए, टेल आ गई. तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, दैट ऑल द अक्वायर्ड कैरेक्टर्स दे आर नॉट इनहेरिटेड. यस बेटा, सारे अक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में नहीं जाते हैं. तो यहां से हमें पता चल गया कि यार जो लेमार्क की थ्योरी थी ना, दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, बिल्कुल गलत थ्योरी थी. बट आज थोड़ा सा जेनेटिक्स में देखोगे हमारा एनवायरमेंट हमारे जीन्स पर इंपैक्ट कर रहा है. एक तो लेमार्क ने इसके बारे में बात की थी. अपार्ट फ्रॉम दिस, लेमार्क ऑल्सो टॉक्ड अबाउट एक और चीज के बारे में बात करी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. दैट इज थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज. क्या मतलब है, लेमार्क कहते थे यार जिस कैरेक्टर को तुम ज्यादा, जिस ऑर्गन को
ज्यादा यूज करोगे वो ग्रो करेगा, जिसका यूज करना बंद कर दोगे वो बेटा बिल्कुल ही वीक होता जाएगा। ये तो वैसे मैं मानूंगी कि यार तुम्हारे दिमाग के साथ ऐसा ही हो रहा है, तुम लोग दिमाग यूज नहीं करते बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहे, पिछले 10 साल हो गए दिमाग यूज नहीं किया, तो दिमाग अब बैठता जा रहा है, तुम्हारा भूसा बढ़ता जा रहा है उसमें। एनीवे कमिंग बैक टू लेमार्क, लेमार्क ने बोला द ऑर्गन विच यू विल यूज इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन, जिस ऑर्गन का तुम यूज करना बंद कर दोगे इट इज गोइंग टू वीकन। ठीक है, वो वीक होता जाएगा और दूसरा क्या होता जाएगा, स्ट्रेंथन होता जाएगा। तो ये भी उसने जिराफ से एक्सप्लेन किया कि जिराफ जब ट्रीज लंबे हो गए तो जिराफ ने अपने नेक को क्या करना, जब स्ट्रेचिंग की तो नेक के सेल्स यूज होने लग गए, ये ऑर्गन यूज हुआ, तो धीरे धीरे बेटा वो ऑर्गन स्ट्रेंथन हो गया, बड़ा होता गया, लंबा होता गया, यस इस तरीके से यहां पर ग्रो करता गया। ठीक है, और जिस ऑर्गन को यूज नहीं करोगे बेटा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो दो कॉन्सेप्ट दिए थे लेमार्क ने, याद रखना इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड बेटा थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। ये समझ आ गया? हाँ, तुम्हारा ब्रेन वेस्टिजियल हो गया मुझे लगता है ना, लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो है भाई, मेरा तो फुल्ली यूजफुल ब्रेन है, राइट? थैंक यू, ओके, है ना? कौन सी थ्योरी ठीक है? सागर वर्मा ऑगस्ट वेस्टमैन आए, उन्होंने लेमार्क की थ्योरी को तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। अब अगली थ्योरी पे चलें, अगले साइंटिस्ट को भी तो सुनना है। कंपटीशन का अंदाजा तो तब होगा, फर्स्ट सेकंड तो तब निकालोगे जब सबको सुन लोगे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी, दिस थ्योरी इज डन, मूविंग ऑन टू बेटा नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी इज कॉल्ड एज डार्विन्स थ्योरी। हाँ जी, अगले साइंटिस्ट कौन आए? नेक्स्ट इज कॉल्ड एज डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ, हाँ जी, कौन सी थ्योरी दी थी? ही गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ही गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बट क्या, ध्यान से सुनना भाई, डार्विन भी थोड़े इतने दूध के धुले हुए नहीं थे, उन्होंने ये थ्योरी खुद से बिल्कुल डिस्कवर नहीं की थी, खुद से इन्वेंट नहीं की थी, वो भी किसी के वर्क से इंस्पायर्ड थे। यस, ही यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सम अदर साइंटिस्ट। हाँ जी, जैसे आप नहीं होते कि क्रिएटिविटी खुद से नहीं आ रही है तो इधर उधर चार वीडियो देखेंगे और फिर अपना बना देंगे, उसको अपना बना देंगे, तो डार्विन ने भी थोड़ा सा ऐसा किया था, जिसको हम बोलते हैं ही टुक इंस्पिरेशन। यस, डार्विन वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अनदर साइंटिस्ट, यस, दैट वॉज थॉमस माल्थस। ठीक है, डार्विन्स कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम माल्थस थ्योरी, और माल्थस ने काम किया था पॉपुलेशंस पे, तो जो बातें माल्थस ने बोली थी ना, वही बातों को मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में हम पढ़ते हैं। माल्थस ने क्या बोला था कि यार एक पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन के पास खूब एबिलिटी है रिप्रोड्यूस करने की, लेकिन फिर भी वो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती क्योंकि रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। जो अडेप्ट कर जाएगा वो बच जाएगा, जो उस रेस में हार गए उनका क्या हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। ये बात बोली थी थॉमस माल्थस ने इन हिज थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। डार्विन ने यहां से क्या ली, इंस्पिरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। डार्विन ने यहां से ली इंस्पिरेशन और अपनी थ्योरी निकाल दी, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको बेटा आप क्या बोलते हो, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है, यस, है ना, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहती है, इसमें बेटा कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है दैट देयर इज गोइंग टू बी लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होने वाला है, एंड उस पॉपुलेशन में देयर इज गोइंग टू बी हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जितने भी उसमें ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। यस, देयर इज गोइंग टू बी हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, सब लोग बहुत रिप्रोड्यूस करने का एबिलिटी रखते हैं, लेकिन लेकिन बेटा फिर भी उस पॉपुलेशन का साइज नहीं बढ़ता। यस, पॉपुलेशन में हर बंदा इतनी रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी रख रहा है, लेकिन पॉपुलेशन का साइज कहीं ना कहीं हद तक क्या है, स्टेबल है।
किस वजह से स्टेबल है? क्योंकि बेटा उस पॉपुलेशन में जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं, है ना? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज बेटा क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, मेट्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं वहाँ पर? लिमिटेड चल रही हैं। अब बेटा खाने वाले लोग इतने सारे, खाना हमारे पास एक ही रोटी है, होता नहीं कि एक बेटा, जैसे आप ही की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि देर आर टू पर्सन, आप में से मैं चूज कर लेती हूँ, वन इज नैन्सी एंड अदर वन इज लविश। सो दो बच्चे हैं, मैंने जस्ट रैंडमली आप में से उठाया, दो बच्चे हैं हमारे पास, वन इज नैन्सी एंड वन इज लविश, ठीक है? दोनों की अपनी अपनी फिजिकल एबिलिटीज हैं, दोनों का अपना अपना मेंटल एबिलिटी है। तो यार इनके सामने रखी हुई है एक रोटी, भूख लग रही है सबको, दोनों को भूख लग रही है। अब रोटी को एक ही ले सकता है ना, कौन ले लेगा? जो ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि आपस में उन्होंने कंपीट किया, कंपीट करने के बाद जो जीत गया उसके पास वो रोटी चली गई। जिसने वो रोटी खा ली बेटा, वो आगे स्ट्रांग हो गया, वही आगे क्या करेगा? थ्राइव करेगा, दैट पर्सन इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस। सो रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब है आपस में सबका क्या हो रहा है? स्ट्रगल चल रहा है, सबको रहना है, कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लड़ाई हुई सब में कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं खाऊंगा ये रोटी या फिर मैं खाऊंगा ये रोटी, ठीक है? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब लविश और नैन्सी में से जीता कौन? जो 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 ज्यादा ब्रेनी था, जो ज्यादा ब्रेनी था। अब इसमें फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं है, हो सकता है नैन्सी ने उसको पागल बना दिया, अरे यार इस रोटी में तेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, तू मोटा हो जाएगा इसको खा के, तुझे नहीं खानी। उसने अपना ब्रेन यूज किया, है ना, ब्रेन यूज किया। दैट मींस यहां पर नैन्सी में आई पॉजिटिव वेरिएशन, है ना? जब लड़ाई हुई तो कुछ लोगों में, पॉपुलेशन में क्या आई? वेरिएशन आई। ये जो पॉजिटिव वेरिएशन है उसने नैन्सी को क्या बना दिया? बेटर फिट टू द एनवायरमेंट। और कौन सर्वाइव कर गया? नैन्सी विल सर्वाइव। लविश को रोटी नहीं मिली, ही विल स्टार्व, है ना? सो वेरिएशन आने की वजह से क्या हुआ? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या हुआ बेटा? जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, और वही बंदा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट कर लेगी नेचर उसको, क्या कर लेगी बेटा? सिलेक्ट कर लेगी। और जिसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, यस, द वन द कैरेक्टर विच इज सिलेक्टेड, दैट विल बी इनहेरिटेड, ठीक है? वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और अगर वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा दैट मीन्स उसी के टाइप के लोग आगे बढ़ेंगे और उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये बात समझ आई, है ना? यस, ये बात समझ आई, क्लियर एवरीवन? सो ये वाला मैं आपके नीट के साथ भी रिलेट कर सकती हूँ। इधर इधर आ जाओ, सब बच्चे आ जाओ, हो गया भाई, वो एग्जाम्पल थी, उसको ऐसे दिल पे मत लिया करो, दैट वाज एन एग्जाम्पल, सो जस्ट चिल। हाँ जी, इधर आइए। नीट के पेपर में बहुत सारे बच्चे हैं, दैट इज हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने बच्चे हैं? 20 लाख बच्चों ने नीट देना है, ठीक है? बट सीट्स क्या है? लिमिटेड, वन बाय वन, पे अटेंशन। रिसोर्सेज मतलब सीट्स क्या है कॉलेजेस में? लिमिटेड चल रही है। फिर क्या हुई? सबकी लड़ाई हुई। 20 लाख बच्चों ने तैयारी शुरू की, कुछ बच्चे ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं, कुछ ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, कुछ अपने मम्मी पापा से पढ़ रहे हैं, कुछ अपने लोकल टीचर से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने इधर से ये बुक उठाई, कुछ ने ये वाला मॉड्यूल लिया, कुछ बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी। दिस इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। लेकिन जिन बच्चों में आई वेरिएशन, जो बच्चे हुए सीरियस कि यार करना है तो यही करना है, 2 साल में अपना पूरा मेहनत दूंगा, उसने पूरी एनसीईआरटी अच्छे से समझ ली, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, जिस बच्चे ने सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए, वो बच्चे आएंगे इस पॉजिटिव वेरिएशन में, और वही लोग नीट के एग्जाम में रैंक लेकर जाएंगे 1-2000 वाला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। 20 लाख की पॉपुलेशन में से, 20 लाख के स्टूडेंट्स में से कितने सिलेक्ट हुए? 5-6000 इनटू गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस। और बेटा वही लोग आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, है ना? उन्हीं को नेचर ने सिलेक्ट किया, सो दैट वुड बी नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन समझ आए? बताओ ये नेचुरल सिलेक्शन बेटा
इस तरीके से चलती है, यू कैन अप्लाई इट इन एनीथिंग. यस, यू कैन अप्लाई इट इन एनी कॉन्सेप्ट, किसी में भी, क्योंकि जो कंपटीशन बहुत है इन एनी फील्ड, कुछ भी फील्ड ले सकते हो, आईआईटी ले लो तुम, नीट ले लो तुम, बैंक ले लो, यूपीएससी ले लो, कंपटीशन इज ह्यूज. द वन हु वुड बी एबल टू यू नो मीट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वही जीतेगा, बाकी सब बच्चों बस फिर मुंह देखते रहेंगे. एकदम क्लियर? एकदम बेटा. यस, हाँ जी, समझ आई? ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन के. डार्विन ने कहा था कि वही सर्वाइव करेगा जो फिट होगा. रादर उसने ये जो वर्ड था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो उसका खुद का नहीं है, ये वर्ड पहले दे चुके थे. किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने. दिस वर्ड वॉज ऑलरेडी गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर. एंड देयर वर टू की कॉन्सेप्ट इन डार्विनियन थ्योरी, दो की कॉन्सेप्ट थे, टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन. पहला की कॉन्सेप्ट कौन था? डार्विन ने बोला था कि किसी एक जगह से शुरू होंगे, फिर नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की एवोल्यूशन हो जाएगी, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. एंड ही टोल्ड दैट कि जो पैटर्न होने वाला है वो पता कैसा होगा, ऐसा कि किसी एक पॉपुलेशन से शुरू हुए, उनमें कुछ चेंजेस आए, चेंजेस आए, देन इनमें कुछ चेंजेस आए आए. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द एवोल्यूशन, कि आप एक स्पीशीज से स्टार्ट हो रहे हो, देन आप में चेंज आया, आप सर्वाइव कर गए, देन बेटा धीरे धीरे जब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हुई तो एक नया स्पीशी बन गया. सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट. पहला कॉन्सेप्ट कौन सा था डार्विन का? दिस इज कॉल्ड एज ब्रांचिंग डिसेंट. ब्रांचिंग डिसेंट ने क्या एक्सप्लेन किया? कि किस तरीके से पैटर्न है एवोल्यूशन का, व्हाट इज द पैटर्न. आप देखोगे यहां पर ऐसे करके ब्रांचेस बन रही हैं. यस, सो ब्रांचिंग डिसेंट से हमें पता चला अबाउट द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन. ठीक है, अगला उन्होंने बताया कि ये जो ब्रांचेस बन रही हैं, चलो ठीक है, लेकिन कैसे बने? रीजन बताओ, है ना, रीजन बताइए, दैट इज मैकेनिज्म बताओ. नाउ द मैकेनिज्म इज एक्सप्लेन्ड बाय अनदर की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन ने ये एक्सप्लेन किया कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, कैसे ये स्पीशीज में गया, क्योंकि नेचर ने उसको सिलेक्ट किया. नेचर ने उसको सिलेक्ट किया तो वही रिप्रोड्यूस किया. और डार्विन के अकॉर्डिंग जो फिटनेस है वो कौन सी फिटनेस है बेटा? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है. कल भी इस बारे में हमने बात की थी. ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस है. ठीक है, सो द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन वॉज नेचुरल सिलेक्शन एंड इट एक्सप्लेन्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन. अच्छा, तो डार्विन ने भी यही बातें बोली थी. डार्विन ने डार्विन किससे इंस्पायर हुआ था अभी बताया था मैंने आपको. हाँ जी, हाँ जी, बताओ. यस, मिस्टर गणेश कुलकर्णी, जो मैं पूछ रही हूँ वो बताइए. आई एम आस्किंग कि डार्विन वर्क वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम, नेम दैट पर्सन. हाँ बिल्कुल ठीक है. हाँ तरुण सान्या, बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो. हाँ जी, बताइए बताइए बताइए. डार्विन वर्क वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम होम. यस, अब भी बताया यार, ऐसे मत करो, अब भी जस्ट बताया. His work was inspired from Thomas Malthus. फिर ये सारी बातें तो Malthus ने भी बोली थी कि एक population है, population का size हमेशा stable रहता है, population में जो better adapt होते हैं वही survive करते हैं. Darwin ने नया क्या बोला? What new was given by Darwin? Yes, Darwin ने बेटा ये बोला जो Malthus नहीं बता पाया, कि जो variation आएगी ना, That is heritable. वो आगे next generation में जा सकती है. Malthus ने ये बोल दिया था कि कुछ change आएगा जो adapt करने में help करेगा. लेकिन Darwin ने नया क्या बोला? That means new concept of Darwin. ठीक है, Darwin ने क्या बोला? That Darwin ने बोला कि जो इस variation की आप बात कर रहे हैं, ये जो वेरिएशन है दैट इज इनहेरिटेबल वेरिएशन. वो अगली जनरेशन में जा सकती है, अगली जनरेशन में जाएगी, तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस आप इसको बोल सकते हो. यस बेटा, रिप्रोडक्टिव फिटनेस आप इसको बोल सकते हो. लेकिन डार्विन ने इतनी सब कहानी बता दी, ये सारे पॉइंट्स बेटा डार्विन ने बता दिए, बिल्कुल ठीक पॉइंट है. एक पॉइंट में वो चूक गया,
एक उसकी मिस्टेक रह गई, मतलब एक चीज उससे मिस हो गई. देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. उसने ये तो बता दिया कि चेंज आएगा, देयर इज गोइंग टू बी वेरिएशन, बट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द वेरिएशन ये नहीं बताया कि वो वेरिएशन डीएनए में आई, कोई म्यूटेशन हुआ, कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई, क्या हुआ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द वेरिएशन. ये बात समझे, ये बात बेटा समझे कि नहीं समझे. यस, सो व्हाट वाज द वीकनेस ऑफ द डार्विन, कमिंग टू द वीकनेस ऑफ डार्विन, वीकनेस और मैं या फिर बात करूं द लिमिटेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डार्विन्स थ्योरी. क्या लिखे यहां पर, लिमिटेशन बेटा ये थी, ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द वेरिएशन, है ना, ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज एंड द ट्रांसफर ऑफ द वेरिएशन, कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ कि वेरिएशन आई. उसने ये सब बात नहीं की थी कि डीएनए में चेंज आया होगा, म्यूटेशन आई होगी, ये सब उसने बात नहीं की. ये तो आज आपको पता है, आज आपको पता है कि वेरिएशन कैसे आती है, लेकिन उस टाइम पे डार्विन ये नहीं बता पाए थे. यस बेटा, ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द वेरिएशन. तो डार्विन की थ्योरी में आपको ये सारी चीजें समझ आई कि नहीं आई. देन डार्विन ने एक और बात बोली, ठीक है, डार्विन ने बोला कि यार जिस रेट पे नया स्पीशी बनेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है. यस एवरीवन पे अटेंशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान देना मैं एक लाइन लिख रही हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, हां जी डैश, डिपेंड्स अपॉन डैश, कि किसका नया स्पीशी जल्दी बन जाएगा, किसके नए स्पीशी बनने में सालों सेंचुरीज लग सकती हैं, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म का साइज क्या है. यस बेटा, ये डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ साइकिल का साइज क्या है. यस, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशी डिपेंड अपॉन द लाइफ स्पैन और द लाइफ साइकिल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. अच्छा, अब सबसे छोटा लाइफ स्पैन किसका होता है, सबसे छोटा, यस, सेकंड वाला किसका होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक पेट्री डिश है, ठीक है, जिसमें मैंने डाल दिया यहाँ पर मीडियम ए. कितना मजा आता है टक टक करने में, है ना, दिस इज मीडियम ए, ठीक है. इस मीडियम ए में क्या ग्रो कर रहे हैं, इस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. ये बैक्टीरिया मजे से इस मीडियम को खा रहे थे और ग्रो करते जा रहे थे, करते जा रहे थे. आपको तो पता है बैक्टीरिया तो विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं. अब आपने जान के क्या कर दिया, आपने उसका एनवायरमेंट चेंज कर दिया, यू चेंज इट्स मीडियम. अब बेटा आपने इसका कर दिया मीडियम चेंज, नाउ द मीडियम इज नॉट ए, नाउ द मीडियम हैज बिकम बी. क्या सबके सब सर्वाइव कर जाएंगे, बताइए. मान लो इस टाइम पे 20 बैक्टीरिया हैं, जो 20 बैक्टीरिया ए में खुश थे, क्या वो सारे बी में आ जाएंगे, बताइए, सब बच्चे बताएंगे. विल ऑल ऑफ देम सर्वाइव और नॉट, यस बताओ, विल ऑल ऑफ देम सर्वाइव और नॉट, यस. All of them, they are not going to survive. जब आपने मीडियम चेंज किया, only few of them, देखो समझो ना इस बात को, पहले टाइम पे मीडियम ए के टाइम पे उनके पास ऐसी वेरिएशन थी कि वो मीडियम ए को एंजॉय करते थे, लेकिन अब आपने मीडियम चेंज कर दिया, अब ओनली दोज विल सर्वाइव जिनके पास बेटा ऐसी वेरिएशन आएगी जो बी वाले एनवायरमेंट में भी खाना खा पाएंगे. Only few of them will survive. और जो यहाँ survive करेंगे बेटा, उनमें धीरे धीरे और variations का accumulation होगा, and then they will soon turn into a new species. ठीक है, इस तरीके से आपकी evolution हुई और यहाँ पर क्या बन गया, एक नया species बन गया. अब bacteria के case में ये सब होने में कितने दिन लगे, मतलब कितना time लगा होगा, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ साल, कुछ बटे मिलियंस ऑफ इयर्स लगे होंगे. बैक्टीरिया के अंदर ये सब होने में,
ये सब होने में, नया स्पीशी बनने में सिर्फ कितना वक्त लगा है? फ्यू डेज। इतनी जल्दी नया स्पीशी कैसे बना? क्योंकि बेटा बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन क्या था? बहुत कम था। यस, लाइफ स्पैन क्या था? बहुत कम था। अगर आप यही कोई स्पीशी ले लोगे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ह्यूमंस, इफ आई टेक फ्रॉग, इफ आई टेक फिश, इफ आई टेक फाउल, ठीक है, अगर मैं ये सब ले लूँगी, इनका एनवायरनमेंट चेंज करोगे और नए स्पीशी बनने में बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, बिकॉज देयर लाइफ स्पैन इज इन ईयर्स, है ना। ह्यूमंस का लाइफ स्पैन कितना है? ईयर्स में। हम में एक वेरिएशन आई, देन बेटा बहुत सारी वेरिएशन को एक्यूमुलेट होना पड़ता है एक नया स्पीशी बनाने के लिए। जब तक एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन नहीं होगी, नया स्पीशी यहाँ पर नहीं बनेगा। सो द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशी डिपेंड अपॉन द लाइफ स्पैन, ठीक है। यस, यहां पर किसकी फिटनेस बेटर है? यस, यहां पर अगर हम देखें कौन ज्यादा फिट है, फिटनेस ऑफ बी इज बेटर देन फिटनेस ऑफ ए। कैसे बोल दिया ए बी ज्यादा फिट है? कैसे बोल दिया बेटा बी ज्यादा फिट है? अच्छा, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल लीजिए। अगेन आपके नीट के एग्जाम पे चलते हैं। नीट के एग्जाम में क्या आता है? बायो आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। यस, तो मेरे पास यहाँ पर तीन स्टूडेंट्स हैं, मैं आप ही में से सिलेक्ट करूंगी। लेट मी सिलेक्ट तीन स्टूडेंट्स। वन आई एम हैविंग दुर्गा, ठीक है। देन बेटा अगला बच्चा है हमारे पास सारिका, इसके लिए मैं एस लिख रही हूँ। अगला बच्चा बेटा हमारे पास है, देन वी हैव, ओके, कोई बच्चा अपना वॉलंटियर करना चाहता है? कोई वॉलंटियर है हमारे पास यहाँ पर हमारे एक्सपेरिमेंट में? यस, वी हैव फ्यू वॉलंटियर्स। चलिए अगला वॉलंटियर ले लेते हैं अभय को। दुर्गा, देन सारिका, एंड देन वी हैव गॉट अभय, ठीक है। तीन बच्चे हैं। नीट के पेपर में बेटा आती है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। दुर्गा की बात करें तो दुर्गा की बायो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, बायो बहुत ही अच्छी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी दुर्गा मतलब कर लेती है, इट्स गुड। देन सारिका की टर्न आई। सारिका की बात करें तो सारिका ने बोला, यार बायो तो मेरी मतलब लाइक फाड़ है, मैं बायो में छक्के छुड़ा लेती हूँ, ठीक है। फिजिक्स अपनी थोड़ी बहुत ढीली चल रही है, केमिस्ट्री भी अपने को अच्छी लगती है, ऑर्गेनिक तो मेरी फेवरेट है। देन आई अभय। अभय बींग अ गाय, अभय ने बोला, यार बायो में तो मैं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता, इतना याद करना पड़ता है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिजिक्स मुझे अच्छी लगती है, केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, और मुझे मैथ्स तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन भाई तीनों ने क्या रखा हुआ है? मेडिकल रखा हुआ है। नाउ द एनवायरमेंट, यस गाइज, द नेचर, अगर मैं इनके एनवायरमेंट की नेचर देखूं तो नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? इनका एनवायरनमेंट क्या है? तीनों ने बैठकर क्या देना है? नीट ही देना है, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए देना है। बट बेटा नेचर किसको सिलेक्ट करेगी बताओ? हु विल बी फिट? फिट कौन है इनमें से? दुर्गा फिट है, सारिका फिट है, या अभय फिट है? हु इज द मोस्ट फिट? हाँ जी, नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? यस, इस पॉपुलेशन में, इस पॉपुलेशन में जब दुर्गा है, सारिका है, अभय है, और हमारे पास कंडीशन क्या चल रही है? नीट की चल रही है। इस टाइम पे विच आउट ऑफ थ्री वुड बी बेटर फिट टू द एनवायरमेंट? हाँ जी, किसको सिलेक्ट करेंगे इस टाइम पे? किसको सिलेक्ट किया जाएगा बेटा? दुर्गा को सिलेक्ट किया जाएगा। यही अगर आप एनवायरमेंट बदल दो, यहाँ पे एनवायरमेंट कर दो जेई का, किसका एनवायरमेंट कर दो? जेई का एनवायरमेंट कर दो, तो कौन सिलेक्ट होगा? अगर आपने एनवायरमेंट में टेस्ट ही बदल दिया तो बेटा कौन सिलेक्ट होगा? अभय सिलेक्ट हो जाएगा। इससे आपको क्या समझ आया? हम ये नहीं बोल सकते कि दुर्गा अगर फिट है तो वो हर एनवायरमेंट में फिट होगी। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर कि कौन फिट है। अगर नेचर जेई का है तो अभय फिट है, अगर नेचर नीट का है तो दुर्गा फिट है। तो क्या बेटा मैं यहां पर एक लाइन लिख सकती हूं, दैट नेचर सिलेक्ट्स फिटनेस? है बच्चों, क्या ये लाइन लिख सकते हैं कि वो नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन फिट है? राइट, हो सकता है इस नेचर में आप फिट हो, दूसरी नेचर में आपका बेस्ट फ्रेंड फिट हो। यस गाइस, ये बात समझ आई सबको? ये बात समझ आई? एंड जो फिट होगा बेटा वही आगे क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। दैट मींस फिटनेस वाला जो कैरेक्टर है,
द फिटनेस कैरेक्टर इज गोइंग टू बी इनहेरिटेड इनहेरिटेड, ठीक है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, यस एवरीवन क्लियर, ठीक है। हो सकता है कि एक एनवायरनमेंट में हाथी ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसके लिए नेचर फेवरेबल है, टाइगर के लिए नेचर फेवरेबल नहीं है, दूसरे एनवायरनमेंट में टाइगर के लिए नेचर फेवरेबल है, उस एलिफेंट के लिए नेचर फेवरेबल नहीं है। सो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि कैसा नेचर है, और जो उस नेचर में बेटर अडेप्ट करेगा वो वहाँ पर आकर जीत जाएगा। अगर नीट का एग्जाम है तो दुर्गा जीतेगी, जेई का एग्जाम है तो बेटा कौन सिलेक्ट होगा अभय, और बेटा यूपीएससी का एग्जाम होगा तो सारे का विलविला है कि अब मेरा नंबर आया। यस हाँ चलो, तो नेचर सिलेक्ट करेगी, ओके है ना। तो हम ये नहीं कह सकते जो ज़्यादा डोले बना ले, जो ज़्यादा मसल बना ले, वो बंदा ज़्यादा फिट है एनवायरनमेंट में, नो वो डिपेंड करता है। अगर आपका टेस्ट नॉलेज का है तो मसल बनाने से कुछ नहीं होगा, आपके पास ब्रेन्स होना चाहिए तब आप बेटर फिट खेलाओगे। लेकिन हाँ, अगर आपका टेस्ट है फिजिकल एबिलिटी का, कुश्ती करानी है, कबड्डी खिलवानी है, तो बेटा जिसने मसल बना रखी है वो ज़्यादा फिट होगा, है ना। आपकी क्लास में हर टाइप के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, है ना, कबड्डी खेलते हैं बहुत मज़ा आता है, कुछ बच्चे ऐसे जो स्टूडियस हैं, तो दोनों का अलग अलग फोर्टे है। अब स्टूडियस वाला बच्चा तब सिलेक्ट होगा जब बेटा उसका ये एग्जाम आएगा, ठीक है, और जो खेलने वाला बच्चा वो तब सिलेक्ट होगा जब कोई स्पोर्ट्स मीट हो रही है। सो फिट कौन है, फिट कौन है, ये कौन बताएगा, आपका नेचर बताएगा। कोई भी किसी भी एनवायरनमेंट में फिट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन। यस बच्चों, है ना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके अगले कॉन्सेप्ट पे। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट अडैप्टिव रेडिएशन, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट बेटा कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन, देन हमने बात की अबाउट नेक्स्ट थिंग दैट इज डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें लमार्क की थ्योरी जो कि रिफ्यूज कर दी किसने, ऑगस्ट वेस्टमैन ने, देन हमने बात की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच इज गिवन बाय डार्विन। अब हमारी एक और थ्योरी बची है, दैट इज थ्योरी ऑफ यू नो म्यूटेशंस। म्यूटेशंस के बारे में किसने बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था, जो हम करेंगे अपनी कल की क्लास में। कल की क्लास सबके लिए अतः इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्यों, क्योंकि कल की क्लास में एक तो मैं ह्यूगो डी व्रीज वाला बताऊंगी, साथ ही में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, न्यूमेरिकल्स ऑफ द हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आई एम गोइंग टू टेल। सो कल की क्लास लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कल सब बच्चे मुझे यहाँ पर 2:30 बजे मिलने चाहिए। और बेटा अभी क्लास खत्म नहीं हुई है तो थोड़ा सा इंतजार करो, मैम कुछ आपको बता रही है। मैं बता रही हूँ कि शाम को 3.0 की क्लास होने वाली है, जिसमें आज मैं मैमरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करेंगे शाम को 6:30 बजे अपने 3.0 सीरीज में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकेंड पार्ट डिस्कस करना है, ठीक है। और कल की क्लास का मंथन का टाइम होता है 2:30 बजे, 3.0 का टाइम रहता है 6:30, मैम की प्लस क्लास का टाइम होता है सुबह 11 बजे। तो सब बच्चों को क्या कर लेना है, मैम को करना है फॉलो अन अकेडमी पर एवरीवेयर। बेटा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ, यू कैन सर्च मी विद दिस नेम दैट इज seep.pahuja, ठीक है, ये डालिए आपको मैं मिल जाऊंगी, मेरे जैसा यूनिक नाम किसी का नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे आसान चीज़ है, अन अकेडमी पे डालो, कहीं पे डालो, फॉलो मी एवरीवेयर। देन अन अकेडमी इज ब्रिंगिंग एन ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें यू कैन गेट अ चांस टू मीट योर फेवरेट कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेयर, ठीक है, सबकी फेवरेट टीम ही होगी, है ना। तो इस फेवरेट टीम को आप मिल सकते हो, कैसे मिल सकते हो, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें मिलने के साथ साथ यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, मैकबुक, आईपैड, अमेजन एको। ये सब करने के लिए बेटा आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट कब होने वाला है, April 24-25 को 11 बजे के बाद दिस टेस्ट इज गोइंग टू हैपन। फ्री टेस्ट है सबके लिए, प्रोडिजी टेस्ट के नाम से आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको कोड लगाना है, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव कोड। यस, सो दिस इज द कोड फॉर द प्रोडिजी टेस्ट। आप अपना सेक्शन देख लो, आप आओगे नीट 2021 में, अगर कोई 2022 वाला है तो वो भी यहाँ पर आकर इस टाइम पर टेस्ट दे सकता है, फ्री टेस्ट फॉर एवरीवन। अन अकेडमी के ऐप में जाओ, टेस्ट सीरीज करके ऑप्शन है, वहाँ जाइए, प्रोडिजी नाम से आपको मिल जाएगा, एंड गेट अ चांस टू मीट विद योर फेवरेट प्लेयर्स। और मैं क्या बोल रही थी, ऐप में जाओगे तो मैम का नाम भी डाल लेना, ठीक है, एंड मैम को फॉलो कर लेना, फॉलो करने के बाद ये कोड लगाना, और मैम की सारी स्पेशल क्लासेस वहां पर जो पड़ी है फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। यस, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मंथन के इस बारी के टेस्ट में एवोल्यूशन ही आ रहा है, क्या आ रहा है, एवोल्यूशन आ रहा है। तो 3 बजे
सैटरडे को टेस्ट होने वाला है, इट्स अ फ्री टेस्ट, वो भी टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर ही आप एनरोल कर पाएंगे। एंड इस टाइम पे बेटा मैं बता दूं आपके लिए ऑफर्स चल रहे हैं अप टिल 24th of April ओनली, ठीक है, 24th of April तक आपके पास ऑफर है, जिसमें 3 months का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 1 month एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे मिलेगा ये 1 month? बाय यूजिंग दिस कोड। यस, व्हेन यू विल अप्लाई दिस कोड तो आपको 1 month जो एक्स्ट्रा है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप 12th class में हैं तो 12 month का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 months आपको, दैट मीन्स अगले साल के नीट तक, क्योंकि नीट पोस्टपोन होगा अगले साल भी, है ना, मई में नहीं होगा, इट विल happen either in the July or in the August, somewhere around that time. तो आपको नीट तक की प्रिपरेशन का चांस मिलेगा यहाँ पर। ये ऑफर भी अनलॉक करने के लिए बेटा आप ये कोड यूज कर सकते हैं, है ना। 3.0 की क्लास शोएब राज यही होगी, इसी चैनल पर, यूट्यूब पर होगी, राइट। और अगर आप चाहते हो कि आपको मिले एक पर्सनलाइज्ड कोच तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आई एम ऑल्सो अवेलेबल, आई एम वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पैनलिस्ट ऑन आइकॉनिक, जिसमें आप 6 month, 1 year, 2 year का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आज का सेशन अच्छा लगा, मुझे पता आपने बड़ा इंजॉय किया, सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलता रहना चाहिए, सेशन को कर दो लाइक और बेटा इसको फैला दो और इसको शेयर करो अपने सोशल मीडिया पर और टैग करना हमें मत भूलिएगा। 2 hashtag आप यूज कर सकते हो, दैट इज #NEETMANTHAN एंड #CrackNEET with CPAM। ओके, चलिए अब हम मिलेंगे शाम को 6:30 बजे इन आवर नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन।